हेलो गाइस, स्वागत करता है आप सभी का रिएक्शन वीडियो किंग, आपका अपना डिजिटल सुखविंदर सिंह। वेलकम टू अनदर माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने जाना बहुत ही बढ़िया। आज हम लेके हैं आपके लिए एक नया रिएक्शन वीडियो जिसमें हम करेंगे एक्ट, और ये वीडियो आया है बीबी वाइंस का। इसका नाम होने वाला है मंगलू सूत्र। मंगल सूत्र नहीं, मंगलू सूत्र। क्या आप मंगल सूत्र पहनते हो? जवाब है हाँ या ना। ये आपने किसी गिफ्ट दे रखा है या आप किसी के लेके आए हो मंगलसूत्र? क्या होगा इस वीडियो के अंदर मंगलसूत्र को लेकर? क्या विषय बनाया होगा उन्होंने? कितनी गालियाँ होगी? आप लोग जानते हैं बीवी वाइंस में गालियाँ जरूर होती है, तो कैसा रहेगा गालियों वाला ये एग? अगर आप बहुत संस्कारी हो तो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो और इस वीडियो को आउट हो सकते हो। अगर आपको गालियाँ पसंद है तो प्लीज़ स्टे विद अस ऑन दिस शो, और हम देखते हैं किस तरह इसका वीडियो है। बाद में करते हैं इसमें रिएक्ट, क्या गलतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या एक्ट है, देखेंगे इस बारे में। So without wasting time, let's start the video, guys. मम्मी यहीं कहीं रखा होगा। आपने अलमारी चेक करी? कर ली। बालकनी चेक करी? कर ली। ड्रॉअर चेक करी? कर ली। पर्स कर ली। मलिंदा की बात कैसे? कर ली। बस की सुई अटक गई है। ओहो, किसी को लैटरिन जाना है क्या? कर ली। ठीक है, मैं क्या कर ली। दीदी ढंग से ढूंढेंगे, पक्का मिल जाएगा। याद नहीं बचपन में पिताजी खो गए थे तो हमने उनको कैसे अगले दिन फटाफट ढूंढ निकाला था। खो गए थे मतलब नाना जी भुलक्कड़ थे, पियक्कड़ थे बेटा। दारू पी के बिस्तर के नीचे ही सो गए थे। अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगी तो कचरे के साथ साथ वो भी बाहर आ गए। कल से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा मेरा मंगलसूत्र। अरे मिल जाएगा दीदी, एक सेकेंड। हाँ गुल्लू। अरे मैं अभी नहीं आ सकता, वहां का पहले थोड़ा मामला शांत हो जाए। और सुन, ये धंधे की बातें आपसे व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, ठीक है? चैट तो ऐसे लीक हो रही है जैसे बुढ़ापे में पेशाब। समझ रहे हो ना? हाँ गुल्लू। अरे मैं F1 रेसिंग देखने नहीं आया हूँ, दीदी रो रही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ गुल्लू। ओके मामा, ये तो बड़े फैंसी ईयरफोन्स हैं। अरे मीवी के डुओ पॉड्स हैं, मजा आ जाएगा, क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। वो किसके रेड हॉट चिली पेपर? हाँ 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 वही वही, उनका हर लिरिक और बीट एकदम क्लियर सुनाई देगा, जबरदस्त बेस के साथ। नीचे गिरेंगे तो नहीं? अरे न्यूज चैनल थोड़ी ना है, इस कैप्सूल को एक बार चार्ज करेगा 30 घंटे चलेगा। महंगा होगा नहीं? ना ना, सेल चल रही है, mevi.in पे जाके ले ले। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्यों दीदी, इंडियन ब्रांड है। यहाँ मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा मम्मी, घर में कोई बाहर का बंदा आता जाता ही नहीं है। मुझे लग रहा है बंदर ले गया मेरा मंगलसूत्र। बंदर? हाँ, जब तू छोटा था तो बहुत सारे बंदर घर में घुसाए थे और तेरे पापा के अखरोट छीन के लगे थे। तो नंगे बैठे क्यों थे? वॉलनट अपने दराज में रखा था मैंने परसों, पक्का चोरी हुआ है, तू पुलिस को बुला। ठीक है। क्या ठीक है बेटा, मंगलसूत्र घर में ही होगा, पुलिस को क्यों बुला रहा इसके लिए? जरूरी है मामा, चोरी हुई है तो। अरे कैसे होगी चोरी बेटा, इधर उधर ही कहीं रखा होगा। दीदी तुम उसमें चेक करो ना अपने ब्लाउज। लू 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 ऐसे ऐसे करो। अरे क्या उल्लू लुल्लू, बुला रहा हूँ पुलिस को। लतिका भी तो घर में है बेटा। लतिका वीडियो याद ही होगा, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा पुराना रिएक्शन वीडियो ऑन लतिका। पुलिस को बुलाने का, मेरे सुहाग की निशानी है वो। अरे तुम्हारा सुहाग संडास में निशानी छोड़ रहा है अपनी। एक बंदा है जो पता लगा सकता है। कौन? नो नो नो, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बीवी जल्दी घर लौट आएगी। बस मुझे उनके होठों की फोटो और अगर मन हो तो उनके भागने का मोटो तुरंत भेज दीजिए। बेटा ये कौन सा जानवर है? जानवर होता तो पंजा मार के गंजा कर देता, शुक्र करो उस खुदा का जिसने अनुपम को टकलू बनाया और मुझे मंगलू बनाया, किसी ने सुना तो नहीं? मम्मी ये डिटेक्टिव मंगलू है, दिल्ली के टॉप 30,000 जासूस में से एक है। दिल्ली में ज्यादातर तो बालकनी से झांकने वाले बुढ़े पड़ोसी हैं। मंगलू जी मेरी मम्मी का मंगलसूत्र चोरी हो गया है, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? किसके पास? किसके? आपके पास? मुझे पता है किसके पास। अरे तब बताओ ना। 20 मिलियन 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। मामा इसको 20 रुपए देना। क्यों? अरे इसका स्टाइल है। किसके पास है मंगलसूत्र? चोरी करने वाले के पास। बताओ क्या आइटम है? आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आपने तो नहीं चुराया? ओ, ओ, मामा है। शकुनी मामा, कटप्पा मामा, सुंदर मामा, इतिहास। क्या मतलब? एक सेकंड। तुझे क्या लगता है मैं अपनी दीदी का मंगलसूत्र चुराऊंगा? अक्सर ऐसी चोरी में घर वालों का हाथ होता है,
मेरा टीटू कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरा काम है सब पे शक करना, भांगड़ा करके रात में फक। हमें नहीं जानना आप क्या करते हो। बेटा इस दुनिया में इतने नकली नोट नहीं है जितने नकली लोग हैं। बहन जी कोई बाहर का आदमी आया था दूध वाला या सब्जी वाला? सब्जी वाला आया था। ओके ग्रोसरी वाला ही भोसड़ी वाला है। पर वो दरवाजे तक ही आता है, मम्मी के कमरे में नहीं घुस सकता। दीदी एक कप चाय बना दोगी? हेलो हाँ। ओह माय गॉड, क्या वो 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। चोरी करने वाला कोई घर का आदमी नहीं है। ये तो पहले से पता है। मेरी हग्गा जासूस गलत लग रहा है मुझे। मंगलसूत्र चोरी करने वाला अभी अभी चोर बाजार में घुसा है। कैसा दिखता है? बहुत सारी दुकानें हैं, डबल सिम वाला फोन जल्दी बिक जाता है और कोने में पनवारी। अरे भाई साहब चोर कैसा दिखता है? चोर जैसा। व्हाट द फक। उसको सीटी मार के बुलाओ ना। कुकर हूँ क्या भोसड़ी के? क्या बकवास है ये। आवारा भड़वे जो हौले हौले गाए। क्या वो चोर गाने गा रहा है? ओह नो, वो किसी दुकान के अंदर घुसा है और उसने मंगलसूत्र निकाल के दुकान वाले के हाथ में दे दिया। और 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। उसने बाएं हाथ से मंगलसूत्र दिया, इसका मतलब लेफ्टी है। बेटा ये चलता फिरता लक्ष्मी चिट फंड है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। द डील हैज बीन मेड, आई रिपीट द मेड हैज बीन डील। उसने मंगलसूत्र बेच दिया। चोर अलमारी पे खड़ा है, खैनी रगड़ रहा है। साला जुबान केसरी काम रॉबरी। अभी भी रगड़ रहा है। वो खैनी मुंह में डालने के लिए मास्क नीचे करेगा तो हम उसका चेहरा देख सकते हैं। ओह नो, क्या वो अभी भी रगड़ रहा है? अभी कितना रगड़ेगा? बेटा खैनी का लौड़ा जितना रगड़ोगे उतना मजा आएगा। ओह माय लॉर्ड, क्रिकेट ग्राउंड। क्या वो रिक्शा में बैठ के चला गया? ऐसे कैसे रिक्शा चला गया? घटिया जासूस है तू, तेरे से अच्छी जासूसी तो ट्विटर के ट्रोलर कर देते हैं। ओके मैं चलता हूँ। वैसे भी उस चोर का चेहरा वैसा ही था जैसे उसके मास्क पे बना हुआ था और उसने चश्मा लगा रखा था, उसके दांत बाहर थे, किसी ने सुना तो नहीं? क्या बोला ये? चोर का चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसके मास्क पे बना हुआ है और चोर ने चश्मा लगाया था और दांत बाहर थे। All right, guys. So this was a video from Bhuvan Bam. Mangul Sutra. आपको खोजना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी to the next point जहाँ पे हम देखेंगे कि असली चोर कौन है। क्या वही चोर है जिसका दिपारे बता रहे थे कि जिसने चश्मा वो पहना है, फेस का मास्क वही है, जिसके दांत बाहर है, जो हर वाली वीडियो में आता है Bhuvan Bam के साथ, या कोई और निकलेगा चोर, देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो शॉर्ट वीडियो, हर डायलॉग के अंदर हंसी आ रही थी, गालियाँ भरपूर थी एज यूजुअल, जब जानते हैं यही बिना गाली के इनका वीडियो नहीं बनता, गाली के बिना इनका वीडियो अधूरा है। इस यूट्यूब वर्ल्ड में चाहे दो चार बंदे ही ऐसे जो गाली के बिना बात करते हैं, चाहे भले ही कह रहे हैं मिनाटी हो चाहे Bhuvan Bam की स्टोरी, जो इनकी गालियाँ हमेशा गालियाँ होगी इनकी स्टोरी लाइन के अंदर, राइट। मैं निकालना नहीं चाहता गालियाँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो संस्कारी फैमिली चैनल है, फैमिली ओरिएंटेड चैनल, हम गाली नहीं निकाल सकते अपने शो के अंदर। और बाकी बहुत सारा वीडियो अच्छा था, हर चीज़ अच्छी लगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो इनका Bhuvan Bam का, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा रिएक्शन कैसे लगा इन द एंटायर वीडियो फ्लो, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और मैं आपके लिए नेक्स्ट चैनल और वीडियो लेके आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।